हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आज हम ये बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि Realme का जो वायरलेस बड है उसका किसी फ़ोन में कनेक्ट नहीं होना, पेयरिंग नहीं होना, एक साइड नॉइजी साउंड आना या वन साइड नो साउंड, एक साइड साउंड ही नहीं आना, इसका प्रॉब्लम जो है आप अपने घर पर बैठे कुछ ट्रबल शूटिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं बताने जाऊँगा कि ये बड जो है ये रीसेट कैसे होता है और ये इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, पहले फंक्शन बता देता हूँ। ये मैग्नेटिक वायरलेस ईयरफोन है, ये अगर मैग्नेटिक से हटेगा तो ये चालू हो जाएगा और ये सटता है आपस में तो ये दोनों बंद हो जाता है, दोनों साइड बजेगा नहीं। इसका मैं बटन का फंक्शन बता देता हूँ। ये वॉल्यूम प्लस का बटन है, ये वॉल्यूम प्लस का बटन है और ये मल्टी फंक्शन बटन है, माइनस बटन है, ये इंडिकेटर है लाइट का। इसमें जैसे चार्जिंग लगाएंगे तो ये लाइट जलता रहेगा कंटिन्यू, रेड कलर का जलेगा, जब फुल हो जाएगा तो ब्लू कलर का जलता है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसको रीसेट कैसे करते हैं, रीसेट कैसे करेंगे। रीसेट करने के लिए हम मैग्नेटिक से इसको अलग करेंगे। अभी इसमें नीला कलर का लाइट जल रहा है, दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये नीला कलर का लाइट जल रहा है। जैसे नीला कलर का लाइट जलने लगेगा, माइनस वैल्यू माइनस बटन को और वैल्यूम प्लस बटन को दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। अभी देखिएगा ये नीला लाइट रेड लाइट में तब्दील हो जाएगा। दोनों बटन को प्रेस करना है, अलग करके दोनों बटन को दबाएंगे हम लोग, देखेंगे अभी नीला जल रहा है। देखिए दोस्तों, रेड लाइट ब्लिंकिंग किया, मतलब ये बड्स वायरलेस रीसेट हो गया। अब फिर से इसको हम लोग मैग्नेटिक को टच करेंगे, फिर से ऐसे करेंगे, हटाएंगे इसको, दोनों मैग्नेटिक को अलग हट करेंगे हम लोग अलग करके, और फिर से हम लोग इसको फ़ोन में पेयरिंग करेंगे। फ़ोन में पेयरिंग करने के बाद जो हमको प्रॉब्लम आ रहा होगा वो प्रॉब्लम से सोल्यूशन हो चुका होगा। पेयरिंग करने के लिए एक अगर ये मैग्नेटिंग को हटाते हैं, अगर पेयरिंग नहीं होता है तो इसको दबाएंगे, आर बटन फंक्शन बटन जो है इसको प्रेस करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो फंक्शन बटन है आर लिखा हुआ है इसको क्लिक करके रखेंगे कंटिन्यू, तो वहाँ पे ये जो बड्स का नाम होगा वो शो करने लगेगा, उस पर क्लिक करके पेयरिंग करके आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन हो जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर रीसेट करने में प्रॉब्लम आएगा तो हमें वीडियो कमेंट में सेक्शन में आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, आपको हम सोल्यूशन इसका बता देंगे कि कैसे करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक।